ओके गाइस, तो मुझे एक लॉयर की जरूरत है। अगर आपके अंदर है एक लॉयर तो आ जाओ एलबीओ के लॉ डिपार्टमेंट में। ओके, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, नया दिन नई शुरुआत। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए जो एलएलबी करने का सोच रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ को और बताने वाला हूँ सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जैसे आपके दिमाग में रहता है ना कि अब मतलब लास्ट जब मैं इस कॉलेज की वीडियो बनाई थी ना, उसमें किसी ने कॉमेंट करा था कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की वीडियो बनाओ, तो क्या हो गया हमसे यार, तुमसे पकड़े यार, क्या है ये, क्या लटका के चलना पड़ता है। गिम्बल गिम्बल। और जितने लोगों को लो नहीं करना, फिर भी देखो बिल्डिंग्स देखो, तुम्हें प्यार हो जाएगा हमारे कॉलेज के लॉ डिपार्टमेंट से। हाँ। तो क्या पता लॉ करने का मन कर। तुम्हें पता, मैंने ना वो जो कोर्ट वाला होता है ना, वो सिर्फ फिल्मों में देखा हुआ है, लेकिन हमारे कॉलेज में वो बना के रखा हुआ है, तो बड़ा सही लगता है। चलो दिखाता हूँ तुम लोगों को। कोई बात नहीं, इन्फ्लुएंसर आज तक आजकल जा रहे हैं डिपार्टमेंट की ओर जा रहे हैं, बीच में रोबोट आ गया एंड अभी के टाइम पे फूल खिले हुए हैं सफेद 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 सफेद, कितना प्यारा लग रहा है। ये क्या कर रहा है तू? मैं तो हमेशा ही खिला रहता हूँ। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आजकल जैसे ये वाले मौसम में ना, क्योंकि हर एक साइड फूल खिले हुए हैं, तो बड़ा प्यारा दिख रहा है। ओके, तो इस टाइम हूँ मैं ठीक डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के सामने, ये और ये है मेरा डिपार्टमेंट, मतलब म्यूजिक वाला, थिएटर एंड म्यूजिक, एंड ये है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। तो हाँ, आज मैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ आपको प्रॉपर उसका डिपार्टमेंट ऑफ लॉ का टूर देने वाला हूँ। मैंने एक वीडियो में अपने म्यूजिक डिपार्टमेंट का भी टूर देकर रखा हुआ है, अगर आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मैं जब भी अपने कॉलेज की वीडियो करता हूँ, हर एक वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ कि हमारे कॉलेज की खूबसूरती देखो, और रोबोबाग से आ रहा था उस टाइम भी ये चीज़ बोल रहा था कि हमारे कॉलेज की खूबसूरती यहाँ पर भी ये चीज़ देख लो, लाइक एकदम हरा भरा, वाव, मज़ा आ रहा था, दिल खुश हो रहा था, मतलब सब लगता है कि वाव। आ जाओ, ये हथौड़ा दे सकते हो, तुम लोग समझ सकते हो कि ये कौन सा वाला थोड़ा है, वो जब जज वो दिखाता ऑर्डर 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 वही वाला है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी भी काफ़ी बड़ी है। गाइस आओ, मज़ा आएगा। इतना बड़ा हथौड़े से ऑर्डर ऑर्डर करता कौन सा जज होगा? इस टाइम तुम लोग देख सकते होंगे उधर भी शायद कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में ना इस टाइम पर एक इवेंट होने वाला है जो कि शायद हमारे कॉलेज का सबसे बड़ा रहता है, नहीं वन वर्ल्ड सबसे बड़ा इवेंट होता है, दो साल में एक बार होता है, वन इंडिया भी दो साल में एक बार होता है। आज जैसे इस साल वन इंडिया हो रहा है, तो अगले साल वन वर्ल्ड होगा, तो ऐसा करके अभी बच्चे उसी चीज़ की तैयारी में लगे हुए हैं। तो मतलब कॉलेज सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि पढ़ाई पढ़ाई में रखेगा, बाकी सारी एक्टिविटीज़ में भी आगे आगे रखता है, ये अच्छी बात है, कॉलेज की बहुत अच्छी बात है। तो अभी था जिसका आपको इंतज़ार, वो घड़ी आ गई, उसी से गाड़ी भी आ गई। ओके, तो क्लासेस दिखाता हूँ अंदर से आपको, डिपार्टमेंट दिखाता हूँ डिपार्टमेंट का सर। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं हूँ, ये दरअसल सेकंड फ्लोर है, सो ग्राउंड फ्लोर नहीं कहेंगे। यहाँ पर सारे फैकल्टी रूम है, फैकल्टी रूम के ऑफिस, HOS के ऑफिस इसी फ्लोर पर है, एंड बाकी फ्लोर्स पे क्लासेस वगैरह। तो चलो पहले क्लासेस वगैरह दिखाता हूँ, बाद में अगर मैं किसी से बात कर पाया तो किसी टीचर से बात भी कर पाऊँगा, क्योंकि वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे इस डिपार्टमेंट के बारे में एंड इस हाँ कोर्स के बारे में। ओके, तो जो कुछ क्लासरूम्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, मतलब थ्योरी वाली चीज़ें पढ़ाने के लिए एज ए क्लासरूम, एंड प्रैक्टिकली चीज़ें वो परफॉर्म करवाते हैं उस कोर्ट में, जैसा तुम्हें पढ़ाया जाता है आप लोगों को बड़ा सही सा लगता है यार। अंदर देखो, अभी थोड़ा दिख रहा होगा, अंदर भी टीचर है तो इसलिए मैं अभी जा नहीं रहा हूँ, थोड़े टाइम अंदर जाऊंगा दिखाऊंगा। प्रॉपर फील आती है कि मैं तो भाई कुछ तो कर दिया, पंगा कर दिया। देख रहे हो तुम लोग, मेरा ना सपना था, मैं ठीक है, मतलब मैं बाहर से निकलते निकलते देखा है, मैं देखो मेरा डिपार्टमेंट साथ में है एंड मैं वहां से जाता हूँ ना, दिखा ना उधर कैमरा मैन लक्ष्य सिंह क्या कर रहे हो यार तुम? ओह सॉरी, कैमरा मैन बनने की आदत नहीं है ना, मेन एक्टर बनने की आदत है। तो मैं ना वहां से निकलते निकलते देखता था, यहाँ पर अंदर मैं पहली बार आया हूँ और बाइक तो अच्छी आ रही है। देखो इस कटघरे में जाकर जाता हूँ ना, सही बड़ा मजा आ रहा है। तो देखो मजाक वाली बात एक साइड पर, तो
हमें वो प्रॉपर एक एक्सपीरियंस मिलता है जो मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट को चाहिए होता है। देखो तुम लोगों के प्यार के खातिर मैं कटघरे में आ गया। ओके गाइस, तो मुझे एक लॉयर की जरूरत है। अगर आपके अंदर है एक लॉयर तो आ जाओ एलबीओ के लॉ डिपार्टमेंट में, क्या बात है। चलो मजाक एक्साइट रहा फिर से एक बार। तो एक बार देखो, तुम प्रॉपर एकदम जैसा सेटअप होता है वैसा क्रिएट करा हुआ है। एंड ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम चला हुआ है, यहाँ पर अगर माइक्स हैं तो वो प्रॉपर काम करते हैं। देखो स्पीकर्स भी तुम लोग देख सकते हैं, बढ़िया स्पीकर्स लगा रखे हैं, माइक वगैरह एंड प्रॉपर एकदम से। तो हाँ, तुम लोग आओ फुल उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो। ओके तो चलो, वैसे तो वीडियो बनाया लेकिन ऐसे करके ज़्यादा वाइब आती है मुझे। तो ये देखो सामने, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये 1 2 3 4 5 जने बैठे होते हैं। एंड यहाँ पर स्टूडेंट जो भी होते हैं मेरे हिसाब से इधर मुजरिम खड़े होते हैं, इस साइड भी एंड मुजरिम दोनों साइड थोड़ी खड़े होते हैं, एक साइड मुजरिम खड़ा होता है और एक साइड वो खड़ा होता है जो गवाही देने आता है। मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि मैं आया नहीं हूँ ना यहाँ पे। तो उधर एक वाला लॉयर होता है एंड इधर दूसरा वाला होता है। तो हाँ, कुछ ऐसा ऐसा सीन चलता है मेरे हिसाब से। बढ़िया, धूप निकली एकदम चमकता चमकता आ रहा हूँ। क्या हरकत है मतलब। बाकी कुछ लोग कह रहे थे ना स्किन केयर बता दो। स्किन केयर ना अगली वीडियो में बताऊंगा, तब तक आप 18,000 सब्सक्राइबर्स कर दो। व्हाट इज सच, क्या है ये? असलियत में ऐसा ही है यार, स्किन केयर से कुछ नहीं होता, सच बता रहा हूँ मैं। और भाई मतलब क्या असलियत में अच्छा? बाकी तुम लोग देख सकते हो कितना चमकता हुआ आ रहा हूँ। वैसे मैं चेहरे से बोल सकता, सॉरी चेहरे में नहीं, मैं मतलब बता रहा हूँ कि हाँ चमकता तो तू है ही, मेरे भी सब्सक्राइबर्स करवा दो भाई, मैं भी चमक जाऊँगा। ओके तो अभी मैं कुछ स्टूडेंट्स से बात करने वाला हूँ इस डिपार्टमेंट के। ओके तो अभी मैं शायद थोड़ा सा काम चमक रहा हूँ। तो ये है ज्योत्सना, उनसे भी थर्ड ईयर, तो ये ही मेरे हिसाब से मेरे से ज़्यादा बेहतर बता पाए कि डिपार्टमेंट के बारे में, थोड़ा सा बता दो डिपार्टमेंट के बारे में। यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज हैं, LLB 3 year, LLM and BA LLB and BBA LLB 5 year courses। हम लोग हर साल अलग अलग नेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स करते हैं। एवरी ईयर 50+ यूनिवर्सिटीज कम टू पार्टिसिपेट इन आर यूनिवर्सिटी फॉर नेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन, दैट इज गैबर। ये तो चलो हुआ, अभी मैं जैसे ये कोर्ट वगैरह देख रहा हूँ, तो यहाँ पर कैसा सब कुछ रहता है? तुम्हारी क्लासेस भी मतलब जैसी होती है, कैसी होती है, और ये कोर्ट में तुम क्या करती हो यहाँ पर? हमारे मूड कोर्ट कोर्सेज एज अ क्लास भी लगाते हैं, और हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिशन होते हैं, जैसे चाहे इंटर डिपार्टमेंट हो गया चाहे नेशनल हो गए, वी कंडक्ट इन मूड कोर्ट रूम्स। मतलब कुल मिला के मजा आता होगा ना। हाँ। तो जैसे तुमने बोला ये प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं, तो कौन से ईयर से करवाना शुरू करते हैं? सेकेंड ईयर से हमारी क्लासेस शुरू होती है मूड कोर्ट के लिए। okay. और एवरी ईयर हमारी इंटर्नशिप्स भी होती है, चाहे कोर्ट्स में हो, अलग अलग कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में। देख रहे हो तुम लोग लाइक कितना सही से यार, मतलब कितना मजा आएगा, क्या कितना सही एक्सपीरियंस होगा तुम्हारा। तो तुम लोग भी यहाँ पर आ सकते हो, आगे तक तुम मेरे से भी मिल सकते हो आगे। बढ़िया। ओके तो मैं हूँ अभी मेरे सीनियर के साथ में, युवनेश शर्मा। लाइक ये बहुत सही इंसान है यार, इनके साथ ना बड़ा अच्छा लगता है। अभी मैं इनसे थोड़ी देर बातचीत कर रहा था, ऐसे बड़ा मज़ा आ रहा था। तो लाइक ये थर्ड ईयर में है, और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस बढ़िया था, और टीचर्स बहुत कोऑपरेटिंग है, मज़ा। सीनियर्स मेरे जो सीनियर्स हैं उनके साथ बड़ा मज़ा आता है, उनके साथ मतलब ऐसे सीनियर्स वाली वाइब उनके साथ आती नहीं है, टू बी ऑनेस्ट फ्रेंडली वाइब है। और टीचर्स की अगर बात की जाए तो मतलब कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अगर हमें जब भी कोई डाउट होता है तो हर टाइम उनके मतलब फ्रेंडली नेचर, हर टाइम ऐसा कहते हैं कि हाँ कोई भी प्रॉब्लम है, किस चीज़ में प्रॉब्लम है, हर टाइम वो हेल्प करते हैं। तो अगर अभी कोई आने का सोच रहा है यहाँ पर, एडमिशन लेने का सोच रहा है, तो आप उसको क्या रिकमेंड करोगे? अरे आओ यार, बड़ा मज़ा आता है कसम से, लवली का एनवायरनमेंट कभी भी कहीं नहीं मिलेगा, मैं ये लिख के दे रहा हूँ। हाँ तो ये था एलबीयू का लॉ डिपार्टमेंट। मैं टीचर्स वगैरह से इतनी ज़्यादा बात नहीं कर पाया, ज़्यादा क्या, मैं टीचर्स से बात नहीं कर पाया क्योंकि क्लासेस वगैरह चल रही थी और शायद वो HOD फ्री नहीं थे। तो इस वीडियो में इतना ही था, कुल मिलाकर मैंने स्टूडेंट से बात करी, जैसा लगा कि एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप यहाँ पर आकर लॉ करते हो तो। और हाँ, मेन बात मैं मिलूँगा यहाँ पर आपको, मेरा डिपार्टमेंट ये है ठीक है, और तुम्हारा डिपार्टमेंट ये है, मतलब ये है। तो इतना ही था। So I don't think you're here to stay.